सीरियल इमली में आर्यन के रोल से मशहूर हुए फैमान खान आज टीवी के हैंडसम हंक की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सुम्बुल तौकीर खान के साथ उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वह उनके और सुम्बुल तौकीर के बिग बॉस 16 से बाहर आने के बाद से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं इसका कारण भी उन्होंने बताया है। फैमान खान बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में पूरा किस्सा बताते हुए कहा, बात तब शुरू हुई जब सुम्बुल बिग बॉस 16 के घर से बाहर आई और उन्होंने फ़ोन पर फैमान को बताया कि उसे लगा कि उसने पूरी तरह से उनका सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि फैमान ने पूरी बात सुलझाने की कोशिश की थी। आगे एक्टर ने खुलासा किया कि वह उनके घर नहीं गए क्योंकि एक्ट्रेस के पिता उन्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहते थे और अटकलों को शांत रखने के लिए उन्होंने फैन से झूठ बोला। फैमान खान ने आगे बताया कि एक्ट्रेस के पिता शुरू में नाराज हो गए थे क्योंकि किसी ने उनके पहले गाने का एक हिस्सा पोस्ट किया था, जिससे लेकर वह असहज और नाराज थे। वहीं दोनों साथ में दो म्यूजिक वीडियो करने वाले थे, लेकिन सुम्बुल ने कहा कि वह ताबिश पाशा का गाना नहीं करेंगी क्योंकि उनके पिता तौकीर खान अभी भी उनसे नाराज थे। फैमान ने खुलासा किया कि वास्तव में तौकीर खान से बात करने और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पिता नहीं माने। इसी के चलते फैमान ने म्यूजिक वीडियो करने से इनकार कर दिया। बातें न हो पाने के कारण दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गई। फैमान के अनुसार उन्होंने चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सुम्बुल की ओर से कोई रिएक्शन नहीं मिला। वहीं जब उन्होंने एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल का एपिसोड किया तो उन्होंने उनसे बात की, लेकिन सुम्बुल फूट फूट कर रोने लगी। फैमान खान के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।